मुझे छोटी होकर भी पता है और तुम्हें इतनी बड़ी होकर भी नहीं पता कि जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है। तुझे अच्छाई का सबक पढ़ाया गया पर ये नहीं पढ़ाया गया कि महाभस्म अपने दुश्मनों के साथ बुरा नहीं करती, बहुत बुरा करती है। बाजी तौबा तौबा, समझदार है महाभस्म परी, इसलिए वो यहां से भाग गए। अब तुम भी समझदार बनो और मुझे मेहर को यहां से ले जाने दो। मुझे लगा था कि तुम अपनी हार से कुछ सीखोगे, लेकिन तुम तो बहुत ही बेवकूफ निकले बारवी, फिर से मेरे सामने आ गए। हाँ, क्योंकि इस बार मैं जीतूंगा और हार होगी तो वो होगी तुम्हारी। महाभस्म ना तो कभी हारी और ना कभी हारेगी। लगता है सिर्फ शब्दों का ही अस्त्र है तुम्हारे पास। मेरे अस्त्रों का तो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा जब मैं परियों को सुनहरा चिन्ह चुराने की सजा तुम्हारा अंत करके दूंगी। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम बच गए, लेकिन महाभस्म का कोई भी वार खाली नहीं जाता। आज तुम्हारे वार तुम पे ही वार करेंगे महाभस्म परी। बड़ी बुरी हूं मैं। मेरे रहते हुए तुम मेहर का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मैं नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मेरी मन बदल तितलियां तो बिगाड़ सकती है ना। उन मन बदल तितलियों से बचो। अब क्या करेगा तू बाणवीर? हाँ,
मुझे मन बदल सकते उससे बचना होगा। हाँ मैं तुम यहीं पे रुको, मैं आता हूं। तुमने तो अपना सबसे बड़ा वार खेल दिया, अब वार खेलने की बारी मेरी है। देखते हैं कि तुम उसे सह पाओगी या नहीं। महाभस्म का कोई भी वार आखिरी वार नहीं होता। बालवीर, मैंने तुम्हें बच्चा समझकर बचने का एक मौका दिया था, लेकिन ये दैत्य तुम्हें बचने का कोई मौका नहीं देंगे। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता बाजी, कोई नहीं। मैं तो दैत्यों के नरक में आ गया, अब मैं इतने सारे दैत्यों से कैसे मुकाबला करूंगा? तुम्हारा पेट इज वेल, मतलब तुम्हारा पेट एक कुआ है जिसमें जितना भी खाना भरो ना वो कभी भरता ही नहीं है। वाह, जैसे कि भूख से खाने लगी है ना, आपका तो पेट भरा हुआ है। भरा ही होगा ना केवल, क्योंकि मोंटोबस का पेट ना सर की डांट और बालवीर की मार से ही भर जाता है। बालवीर, हमें तुम पर पूरा विश्वास है, तुम महल को लेकर ही आओगे। इतने सारे दैत्य हैं कि मैं एक साथ इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, और अगर ये मुझ तक पहुंच भी गए तो फिर मेरा इनसे बचकर बाहर निकलना असंभव हो जाएगा। और वैसे भी इस समय मुझे सिर्फ महल को बचाने के बारे में सोचना है, और इसीलिए मुझे जल्द से जल्द इन दैत्यों से बचकर बाहर निकलना होगा। जब तक तुम्हें और बाकी बच्चों को सुरक्षित उनके परिवार से नहीं मिलवा देता, तब तक बालवीर को कुछ नहीं हो सकता। गलत, बिल्कुल गलत। तुम दैत्यों के हाथों से इसलिए बच गए क्योंकि तुम्हारी किस्मत में महाभस्म की बुराई के हाथों मरना लिखा है। Thank you.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.